find a partial, partial differential equation as a differential equation containing partial derivatives of two or more independent variables for example del to z by del x square plus del to z by del y square equal to zero it is an example of partial differential equation as it contains partial derivatives of z अब हम लोग कुछ बेसिक डेफिनेशन को दोहराने के लिए जा रहे हैं पार्सियल डिफेंसियल के संदर्भ में जो आप ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफेंसियल इक्वेशन केवल यहाँ पार्सियल वर्ड जोड़ दिया गया है कंसेप्ट सेम है जो आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था फॉर एग्जाम्पल वी डिफाइन ऑर्डर एज ऑर्डर ऑफ ए पार्सियल डिफेंसियल इक्वेशन इज दाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रजेंट इन द इक्वेशन फर्स्ट यूनिट में भी सेम डेफिनेशन था डिग्री ऑफ ए ऑफी इज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यू हैव टू बी केयरफुल हम लोग को डिग्री क्या होगी कि जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसका पावर क्या है प्रजेंट इन द इक्वेशन व्हेन इट हैज बीन मेड फ्री फ्रॉम फ्रेक्शनल पावर सिमिलरली व्यू डिफाइन लीनियर डिफ्रेंशियल इक्वेशन एज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेट टू बी लीनियर इफ इट इज ऑफ फर्स्ट डिग्री मीन्स लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए इसकी डिग्री वन होनी चाहिए इन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल्सो दे आर नॉट मल्टीप्लाइड टूगेदर अनादर रिस्ट्रिक्शन इज देयर मस्ट नॉट बी अ मल्टीप्लीकेशन फॉर एग्जाम्पल एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेलजेड बाई डेल वाई इक्वल टू एक्स इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पार्सियल डिफरेंशियल इक्वेशन बट सपोज अगर इसमें जेड स्क्वायर टर्म होता तो यह हमारा नीनियर इक्वेशन हो जाता क्वासी लीनियर पार्सियल डिफरेंशियल इक्वेशन ए पार्सियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पीपी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर वेर capital p capital q and capital r are functions of x y z are called quasi-linear partial differential equation quasi-linear partial differential equation it is also called legrand's linear partial differential equation यहाँ जो स्मॉल पी क्यू ये है ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है कुछ और नोटेशन को मैं लिख देता हूँ क्योंकि आगे मैं इन सारे नोटेशन को यूज करूंगा और आपको इसमें किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसलिए मैं इसे लिख रहा हूँ इफ जेड इज डिपेंडेंट वेरिएबल देन स्मॉल पी स्टैंड फॉर डेल जेड बाय डेल एक्स मीन्स पार्सल डिफ्रेंसियन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यू इक्वल टू डेल जेड बाय डेल वाय आर इक्वल टू डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर एस इक्वल टू डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वायक्वल टू डेल टू जेड बाय डेल वायर वी आर गोइंग टू डिस्कस वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द लेग्न मेथर्स टू सोल्व क्वासी लिनियर पार्सल डिफरेंसियल इक्वेशन जिसे हम लोग लेग्न लिनियर पार्सल डिफरेंसियल इक्वेशन भी करते हैं सपोज द गिवन इक्वेशन बी ऑफ द फॉर्म पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर तो जो हमारा वर्किंग प्रोसीजर है कि इस तरह के इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहला स्टेप जो हमारा होता है कि हम ऑक्सरी इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और इसको कंस्ट्रक्ट करने का तरीका क्या है कि डीएक्स बाय कैपिटल पी मीन्स स्मॉल पी का जो कोफिसियंट है देट इज डेल जेड बाय डेल एक्स का जो कोफिसियंट है इक्वल टू डी वाई बाय कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू का कोफिशियंट हमारा कैपिटल क्यू है इक्वल टू डीजेड बाय आर यह सारा ये जो हमारा इक्वेशन ऑप्टेन होता है इसे हम लोग ऑक्जरी इक्वेशन कहते हैं अब दूसरा स्टेप जो हमारा है सॉल्व द ऑक्जरी इक्वेशन एंड गेट टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन जो ये इक्वेशन हम लोगों ने ऑप्टेन किया इसको सॉल्व करना है इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने की जनरली दो प्रोसेस है फर्स्ट मेथड इज मेथड ऑफ ग्रुपिंग इन दिस प्रोसेस इफ द वेरिएबल कैन बी सेपरेटेड इन एनी पेयर ऑफ इक्वेश मीन्स जो हमारे को तीन इक्वेश मिला है इसमें से अगर वेरिएबल को हम सेपरेट कर सके तो हम लोग इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं जो हमारा होता है यू एक्स वाई इक्वल टू ए एंड वी एक्स वाई इक्वल टू बी आवर नेक्स्ट मेथड इज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि कोई मल्टीप्लायर एलेमेंट इस रूप में हम ऑप्ट कर लेते हैं जो एलिमेंट जो हमारा क्या है वह कॉन्स्टेंट भी हो सकता है या एक्स वाई जेड का फंक्शन भी हो सकता है तो हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा बाय बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शंस डी एक्स बाय पी इक्वल टू डी बाई इक्वल टू डी जेड बाई आर जो हमारा ऑक्सल इक्वेशन दिया गया है इट इक्वल टू एल डी एक्स प्लस एमडीवाई प्लस एनडीजेड बाई एल पी प्लस एम वाई प्लस ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम तीन मल्टीप्लायर ही ले तीन से कम मल्टीप्लायर भी ले सकते हैं इफ इट इज पॉसिबल टू चूज एलिमेंट सच दैट एल पी प्लस एम एन प्लस एम एन प्लस एलपी प्लस एम क्यू सॉरी एम वाई प्लस एनजेड इक्वल टू जीरो देन एल डी एक्स प्लस एम डीवाई प्लस एनडीजेड इक्वल टू जीरो और अगर यह हमारा एल डी एक्स प्लस कंडीशन में क्या होगा इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं और इंटीग्रेट करने पर मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा यू इक्वल टू ए मल्टीप्लायर्स एलेमेन आर कॉल्ड लेग्रांज मल्टीप्लायर सो इस तरह से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्रुपिंग मेथड और मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम जनरल सॉल्यूशन को लिख सकते हैं जनरल सॉल्यूशन इज एनी फंक्शन ऑफ यू एंड भी इक्वल टू जीरो सो अब हम लोग एक, एक दो एग्जांपल एक ले लेते हैं जिससे ये सारा कंसेप्ट जो वर्किंग प्रोसीजर जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया वो क्लियर हो जाए सो so, हमारा पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल वन

कैपिटल पी इक्वल टू कोट एक्स मीन्स वी कैन राइट डी एक्स बाय कॉट एक्स इक्वल टू डी वाई बाय कोटवाय इक्वल टू डी जेड बाय जेड सपोज मैंने इसे फर्स्ट माना इसे सेकेंड माना और इसको थर्ड मान रहा हूं फर्स्ट और सेकेंड को साथ लेने पर बाय फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट वी हैव डीएक्स बाय कोट एक्स इक्वल टू डी वाई बाय कोट वाई दिस इंप्लाइज टेन एक्स डीएक्स इक्वल टू टेन वाई डी वाई और अगर अब हम इंटीग्रेट कर देते रहें तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स था ये हमारा अगर लॉक सेक एक्स इक्वल टू लॉग सेक वाय प्लस एज ए कॉन्स्टेंट ऑफ मैंने इसे लॉग ए लिया है इससे हमारा क्या हो जाएगा अगर log सेक वाई को हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो यह हो जाएगा लॉग सेक एक्स माइनस लॉक सेक वाय जिसको हम लिख सकते हैं log सेक एक्स प्लस लॉक सेक एक्स बाय सेक वाई लॉग वाला कैंसिल हो जाएगा तो इसका हमारा मतलब हो गया सेक एक्स बाय सेकवाईक्वल टू ए सिमिलरली अगर लास्ट के दो फ्रैक्शन को सेकेंड और थर्ड को हम लेते हैं तो हमको रिजल्ट आ जाएगा सेक वाई बाय सेक जेड इक्वल टू बी देर फोर जेनरल सोल्यूशन इक्वल टू फाइव सेक एक्स बाय सेक्वल टू जीरो मल्टीप्लायर मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है जिसमें मुझे जनरल सोल्यूशन ऑप्टेन करना है डिफरेंशियल इक्वेशन जहां है एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पी प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्यू इक्वल टू जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फर्स्ट स्टेप वी फाइंड आउट दी इक्वेशंस व्हिच इज dx बाई पी पी के सामने यहाँ क्या है एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर उससे कंपेयर कर लेते हैं dx बाई पी इक्वल टू डी बाई क्यू इक्वल टू डी जेड बाई आर ये ऑफर इक्वेशन मुझे मिल गया अब हम लोग लेग्रॉज मल्टीप्लायर इस रूप में ऑप्ट करते हैं यहां मैंने एक्स वाई जेड लिया है इससे हमारा क्या हो जाएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड डिनोमीटर में इसको आप एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू डिनोमीटर मेरा जीरो हो जाता है इससे हमारा हो गया एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड दिस implies एक्स डी एक्स प्लस वाई डीवाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू जीरो आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस जेड स्क्वायर बाय टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू ए कोई कॉन्स्टेंट के बराबर है इसलिए अगर सब में टू को मन लेकर राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट सिमिलर वे में अगर मैं दूसरा मल्टीप्लायर वन बाय एक्स वन बाय वाई वन बाय जेड ऑप्ट करता हूं तो मुझे सॉल्यूशन मिल जाता है एक्स वाई जेड इक्वल टू बी देर फोर जनरल सोल्यूशन इज जनरल सोल्यूशन जो हमारा हो जाए